है केंद्र की राजनीति से, नीतियों से, कि विपक्ष के नेता आते हैं और देखिए फिर उसके बाद से अजीत पवार आपकी तरफ आए, उसके बाद से मामला जो फाइल है वो बंद हो जाता है धीरे से। सवाल बड़ा है, भ्रष्टाचार पर आप कहते हैं सख्त कार्रवाई कर रहे करिए, लेकिन अपनी पिच आप खुद कमजोर करते हैं जब आरोपियों को आप अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, इसकी गंभीरता समझाइए। बेसिकली देखिए, हर वक्त एक ही चीज पे बात चल रही है, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं कि अभी ये बारामती का चुनाव लोगों के सामने है, आने वाले दिनों में लोग इस पर डिसीजन लेने वाले, लेकिन ये बारामती का जो निकाल है, इसका जो रिजल्ट आने वाला है, देश के लिए क्यों जरूरी है? जो राजनीति देश में पिछले 10-15 साल में बदल रही है, आप देखिए 70 साल में जो चल रहा था, 70 साल आप बस घोटाले की गिनती कर रहे थे, वो घोटाले सब वॉश आउट कर दिए हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। पूरे पुराने घोटाले, सब कोयला घोटाला हो, सब कांग्रेस के जमाने में जो भी घोटाले हैं, वो सब मोदी जी के आने के बाद पूरे वॉश आउट हो गए। आप देख लीजिए, ये सब घोटालों ने कांग्रेस को मिटा दिया, लेकिन अभी मोदी जी को जनता स्वीकार कर रही है। लेकिन ये बारामती के कुछ लोग हैं, इनको अगर उसी पे जाना है तो बार बार वही चीजें दोहराएंगे। मैं इसको एक ही बार बोलता हूँ, हाँ। कि बारामती का जो चुनाव है, अच्छा सुनेत्रा पवार के लिए प्रचार के लिए जा रही है बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोलते हैं? ताकत से जा रही है। जनता से क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल ताकत से जा रही है, ये चुनाव बोलते क्या है जनता को? हम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को जिताइए, बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंस को पता है। हम बता रहे हैं मोदी जी के नीतियों पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ बारामती तो उसका छोटा सा जवाब, फिर आप लोग हाथ उठाइएगा। मैं सवाल सही कहा कि मोदी जी के आने के बाद सच्चाई जनता के सामने आ गई। 2G के आरोपों में जब जज के सामने केस चली तो जज ने कहा मैं 7 साल 11 से 7 बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी नहीं आया, सब निर्दोषों के सही है कि जो आरोप किए थे गलत थे और केवल आरोप थे और हम छूट गए, वॉश आउट हो गए। और जिनके ऊपर इन्होंने आरोप किए, इन्होंने कहा क्यों करेंगे सुनेत्रा जी, सुनेत्रा भाभी का प्रचार क्यों करेंगे, सही कहा इन्होंने। ये तो फंसा रहा है सबको। जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग भाभी यानी सुनेत्रा पवार के साथ है, हाथ उठाइए। जो पीछे लोग हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि पता चलेगा। और कितने लोग हैं जो ननद यानी सुप्रिया सुले के साथ है? देख लो, मुझे पता चल गया कौन से लोग इस तरफ है, कौन से लोग उस तरफ है। एक एक करके सवाल लेते हैं, एक एक करके छोटा छोटा सवाल प्लीज, छोटा छोटा सवाल, फिर मैं आपके पास आऊँ। एकदम छोटा सा सवाल है, मेरा सवाल है अजीत पवार गट के जो प्रवक्ता है, कि आपको 3 महीने पहले सिलेंडर सब महंगा लग रहा था, बेरोजगारी थी, सब थी, मोदी जी ने मध्य प्रदेश से ऐसा कौन सा इंजेक्शन दिया जिसकी वजह से आपको साक्षात्कार हुआ कि मोदी जी आप भगवान का अवतार है? ठीक है, जवाब दीजिए। अभी ऐसा साक्षात्कार नहीं हुआ है, आपका सवाल जो भी है उसका जवाब मैं देता हूँ। आपने 2014 के बाद जो भी राजनीतिक हलचल हुई थी, जिसके बारे में अजीत दादा ने आपके बारामती में कई बार अपना मत रखा है, वो आपने सुना होगा। 2014 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, उसके बाद आपको सिर्फ 3 महीने पहले की बातें याद आती हैं, 10 साल पुरानी आती नहीं है, दुर्भाग्यवश। ठीक, दुर्भाग्यवश। पहले एक शेर सुनाना चाहूंगी, सबको यहाँ पे कविता और शायरी चढ़ गई है। चलिए, अच्छा आपको देखने के बाद, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से बिल्कुल भी तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। मैं आप सबको जो भी सामने बैठे है, मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहूंगी, 15 साल से सुप्रिया सुले यहाँ पे काम कर रही है, 15 काम गिनवा दो, 15 काम हम मान जाएंगे। बारामती में तो पानी बिजली सबकी सुविधा है, लेकिन थोड़ी सी दूर यहाँ पर इस रोड पे जाइए तो बड़े बड़े ड्रम में लोग घरों में पानी रखने को मजबूर हैं। जो शरद पवार का गढ़ रहा, जो सुप्रिया सुले का गढ़ रहा, आप पानी आसपास के इलाकों में नहीं दे पाए अभी तक, किसका किसकी गर्दन पकड़े? वैसे तो अभी 2 सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ।
इसको जो पूछा अभी 3 महीने की बात चल रही मेरे है, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। पानी का सवाल, अभी पूरी महाराष्ट्र में अभी दुष्काल है, वो जो देख रहे हैं वो गवर्नमेंट उधर ऐसे कैमरे लगा के बैठे हैं, वो मोदी साहब उधर आते ही नहीं, किधर भी नहीं जाएंगे वो। इधर के पालक मंत्री थे अजीत दादा पवार, जो अजीत दादा पवार खुद मोदी जी नहीं देखते इस ड्रम में पानी रख रहे हैं। वाले क्या बोल रहे हैं वो सुनो, वो सुनो, वो खुद क्या बोल रहे हैं देखो, बोले बोले क्या बोल रहे देखो, देखो देखो खुद क्या बोल रहे देखो। ये इलेक्शन आवाज नहीं आ रही, हो गया अभी। अरे ड्रम में पानी क्यों भरना पड़ रहा है बताइए। पालक मंत्री इधर के 25 बरस तक अजीत दादा रहे हैं। आपके घर में तो पानी आता होगा, नल पुणे जिले में नल से जल, जो डैम बनाए नल से जल थे उस टाइम बनाए थे, अजीत दादा ने एक भी धरण नहीं बनाया। अजीत दादा ने 2-3 यहाँ कैंडिडेट है अलग अलग पार्टियों के, आपको क्या लग रहा है यहाँ तो भाभी और ननद की लड़ाई है कैसे? हेलो 2 मिनट थांबा, अबे मैडम ने पूछ लिया भाभी और ननद की लड़त कैसी होगी। मैडम मैं सच बताता हूँ, मैं 20 साल से ये लोगों के अपोज में लड़ रहा हूँ, अभी भी अपोज में लड़ रहा हूँ, सब लोग इधर उधर जा रहे हैं। ये दोनों की लड़ाई क्यों लग गई कि इतना संपत्ति कमाया है कि दोनों की संपत्ति छुपाने के लिए वो लोग अलग अलग हो गए, ये लोग अलग अलग हो गए। अभी मैं पूछता हूँ, मैं शरद पवार गट के लिए भी पूछता हूँ और अजित पवार गट के लिए भी पूछता हूँ, इन्होंने कोऑपरेटिव सहकारी साकर कारखाना क्यों नहीं निकाला? दूसरों की संस्था में उन्होंने हाथ डाला, शिक्षण संस्था क्यों नहीं निकाला? राशन फुकट में बांट रहे ऐसी बीजेपी बोल रही, शिक्षा क्यों फुकट में बांट नहीं रही, क्यों शिक्षा फुकट में बांट नहीं रही? इसीलिए मैं खुद ऐसा ही चाहता हूँ, ये सब लोग एक में एक सामने को एक में एक साथ मिले रहे है और लोगों को फंसा रहे है, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम खड़े है। अच्छी बात है, आप बताइए आपका क्या एजेंडा है? देखिए पानी के बारे में अभी बात चल रही है मैडम, मैं आपको बताऊं ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में 827 टीएमसी का स्टॉक बारिश के बाद में होता है, और भारत में जितनी भी जगह है कि पानी का स्टॉक होने की जितनी भी जगह है उसमें एक नंबर में पुणे डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता है। और मान के चलिए आपने जो बात बताई उसका नियोजन ही नहीं हो रहा है, इतना पानी है। यहाँ हमारा उजनी डैम करके एक डैम है, 110 टीएमसी का डैम है, लेकिन उसको भरने के लिए हमने 2006 साल से जो टाटा के संपत्ति मान के चल रहे हैं, मुलशी डैम करके प्रोजेक्ट है, 40 टीएमसी पानी उसमें है, लेकिन वो पीने के लिए आ नहीं रहा। सही प्रबंधन कोई यहाँ पर करता हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ जो आम लोग यहाँ पर है बीच में मुझे जाने दीजिएगा प्लीज थोड़ा सा, आई एम सॉरी सर, थैंक यू। हाँ कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स है यहाँ पर, हाथ उठाइए, फर्स्ट टाइम माइक देख के सवाल पूछ, हाथ उठा रहे थे मैं आई कि कम से कम कुछ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट नहीं? हाँ स्टूडेंट हूँ, बोलिए सवाल पूछिए। आप नेता खड़े हैं, मौका है आपके लिए, पानी बिजली सड़क शिक्षा नौकरी। मैं उन वो तो जो थे उधर उनका समर्थन करता हूँ कि सब राशन वो फोकट में बटवा दिया, लेकिन शिक्षा क्यों बटवा नहीं रहे, ये इनके लिए सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए और मेरे सब स्टूडेंट लोग के लिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल, शिक्षा आप देखिए प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक शिक्षा, अभी यहाँ आरटीआई का एक्ट भी लागू है, ये शिक्षा भी मिल रही है। और एक जून और जून से सुनो सुनो और जून से पूरे महाराष्ट्र के हर लड़की को एजुकेशन फ्री मिलने वाला है, हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग मेडिकल सब मिल रहा है। अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन। दो एक दो सवाल है। अच्छे दिन कहाँ गए मोदी जी के, अच्छे दिन कहाँ गए मोदी जी के? अगली बार अजित पवार घड़ी 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 आएंगे घड़ी। अरे तो एक सेकंड, अरे तो अजित पवार तो डिप्टी सीएम है ही, उनको क्या बनाइएगा अगली बार? अजित पवार बनाए, बारामती का चेहरा मोहरा बनाए उसने, बारामती का चेहरा मोहरा बनाएंगे तो सुनेत्रा पवार क्या करेंगे? 5-15 वर्ष में कुछ नहीं किया उसने, सुप्रिया सुले ने कुछ काम नहीं किया। इधर पीछे आते हैं कुछ छात्र, इधर दिखाई दे रहे हैं आप खड़े हुए।
मेरा एक सवाल है बीजेपी और राष्ट्रवादी को, 70,000 गए किधर? अब इनके पास है या बीजेपी के पास है या राष्ट्रवादी के पास है? पवार साहेब एक कविता म्हणतो, कविता बोलना आज सबको, आज सबको कविता सुना मराठी में एक, जल्दी बोलिए सर। ठीक है, वो 70,000 किधर गए सिर्फ पूछो, 70,000 किधर गए? और मेरा बीजेपी को सवाल है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा सुविस्तर बताइए बीजेपी को, एग्रीकल्चर और शेतकरी कृषि धोरण के बारे में थोड़ा सा बोलिए, कृषि नीति क्या है आपकी उसके बारे में बोलिए। एक सवाल यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद आपने जो अभी सवाल पूछा कि पानी के ड्रम दिख रहे हैं, विकास राव मेरे फ्रेंड है, इनको भी पता है कि मैं उस गांव से आता हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक साल रहेगा, एक साल के बाद अभी जो बारामती में पानी का जो बाजी दादा ने काम कर रहे हैं वो कम से कम 300-400 करोड़ का है। और सवाल क्या है, सवाल क्या आपका? नहीं, आप सवाल पूछिए। ड्रम दिख रहे हैं, पुणे के रास्ते में गए हम लोग, देखा सड़क किनारे लोग ड्रम रख रहे हैं। एक साल के बाद एक भी ड्रम नहीं दिखेगा क्योंकि अभी पानी का काम। सवाल नहीं आपके पास, सवाल नहीं है। सवाल अंजना जी, पहले तो मैं आपका यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज यहाँ बारामती के पीच पे मैं भी एक महिला कैंडिडेट एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं सवाल करना चाहती हूँ मोदी सरकार को और कांग्रेस राष्ट्रवादी, जो यहाँ की महाविकास आघाड़ी और महायुति सरकार, अब तो सवाल है, सवाल शिवसेना और राष्ट्रवादी दोनों का स्प्लिट हो चुका है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महिलाओं का उत्पीड़न कब नहीं हुआ है, तो मेरा ये सवाल है कि ये कब खत्म होगा? और महाराष्ट्र की सरकार जब भी यहाँ होती है तो भी धनगर आरक्षण के ऊपर में, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो वोट बैंक है, यहाँ का धनगर वोट बैंक है, तो उसके ऊपर मोदी सरकार ने यहाँ आके बताया था कि धनगर आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आज तक घटना ठीक। एक सेकंड, आप कुछ सवाल लेते, आ रही हूँ इधर भी आ रही हूँ, बैठ जाओ। आपके साथ शुरुआत करते हैं, बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे, किसान कृषि नीति से लेकर बहुत सारे प्रश्न थे। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, कृषि नीति पे बीजेपी क्या कर रहा है अभी, क्या में डेवलपमेंट है, इससे पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। बोलिए। महाराष्ट्र का भी राजनीति देखा जाए तो पिछले 4 बार चीफ मिनिस्टर यहाँ पवार साहब रह चुके थे, देश में 5 बार वो एमपी चुन के गए, कृषि मंत्री रह चुके थे, 3 बार सुप्रिया जी अभी कॉन्टेस्ट करके 3 बार जीते, मतलब 8 बार 40 साल से ये फैमिली यहाँ राज कर रहा है, बराबर है। तो ऐसी स्थिति में पहले प्रधानमंत्री, पिछले प्रधानमंत्री के साथ जो काम किए वो पवार साहब ने कृषि नीति में जरूरी था, जो भी चीजें डेवलपमेंट करनी थी, बस एक बार कुछ भी नहीं, आप एक काम बताइए जो कृषि नीति काम किया। दूसरी बात, अभी भाजपा का अभी बोलता हूँ मैं, भारतीय जनता पक्ष ने हर किसान को, अरे बोलने तो दो, हर किसान के खाते में किसान को हेल्प देने के लिए हर महीने के लिए 1,000 रुपए मिल जाते हैं।